What does the graph say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty Analysis from TradingFab.in. आज है 17 दिसंबर 2020 थर्सडे है, सुबह के 8:34 हो रहे हैं। थर्सडे है, वीकली एक्सपायरी का दिन है और निफ्टी इंडेक्स हमने देखा लगातार नए हाईज ऑल टाइम क्लोजिंग हाई लगा रहा है। तो आज एक्सपायरी का दिन है, हो सकता है एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। अदरवाइज निफ्टी देखे तो काफ़ी बुलिश नज़र आ रहा है, ओवरबॉट जोन में पहुँच चुका है और ओवरबॉट जोन कैन बिकम एक्सट्रीम ओवरबॉट भी हो सकता है। तो कहाँ पर आज के लिए इंट्राडे लेवल्स होंगे उसको आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन सबसे पहले कल के एनालिसिस का एक रिव्यू करते हैं। ये कल का पिक्चर है, यानी 16 दिसंबर आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर यहाँ है बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बना रहा था 13,596। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये 5 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है। निफ्टी इंडेक्स काफ़ी ज़बरदस्त गैप अप ओपन हुआ, काफ़ी ऊपरी लेवल पे, सेकेंड टारगेट के भी ऊपर। तो यहाँ पर कोई शुरू में तो ट्रेड नहीं बनता और पूरे दिन एक साइडवेज पैटर्न में ऊपरी लेवल के पास ये ट्रेंड हो रहा था। और जैसे कि हमने ये प्री मार्केट प्लान बनाया था तो उसके अकॉर्डिंग कल यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही थी। हालांकि ये जो जोन बना था एक ऊपरी लेवल पे एक रेंज बना था कल सुबह के सेशन में, उसको ब्रेक करने के बाद लास्ट आर में यहाँ पर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी थी। जैसे ही ऊपरी लेवल को 3 बार इसने रिस्पेक्ट किया था, ये 1, ये 2, ये 3, और इसको जैसे ही इसने कंफर्टेबली ब्रेक किया ऊपर की तरफ, 4th टाइम में इसको ब्रेक किया और ऊपर की तरफ ये निफ्टी इंडेक्स आकर क्लोज हुआ। तो काफ़ी बुलिश इस समय निफ्टी इंडेक्स देखने को मिल रहा है। सबसे पहले ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं। कल अमेरिका के बाज़ार देखे तो नासडैक में भी रिकॉर्ड क्लोजिंग हाई लेवल पे कल नासडैक बंद हुआ, 63 पॉइंट की बढ़त देखने को मिली। यूरोपियन मार्केट्स भी देखे तो सभी कल हरे निशान में बंद हुए। एशियाई बाज़ार आज देखे तो फ्लैट नोट के साथ इस समय कारोबार करते नज़र आ रहे हैं। SGX निफ्टी 4 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है, जापानीज इंडेक्स भी 2 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है। डाउ फ्यूचर को देखें तो यहाँ पर मामूली बढ़त इस समय देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स में अभी पूरा मिला जुला कारोबार इस समय देखने को मिल रहा है। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट से शुरू करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर ये फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को ड्रॉ किया है, अगर आप हमें कई दिनों से फॉलो कर रहे तो यहाँ पर ये स्विंग हाई लो को पकड़ के इसको ड्रॉ किया है। तो जैसे 161.8% का लेवल लास्ट वीक इसने अचीव किया था, अभी ऑलमोस्ट कल इसने ये 176.4% का लेवल यहाँ पर अचीव किया। तो 13,700 के पास हो सकता है इसको पहला यहाँ पर एक हर्डल फेस करना पड़े। आज वीकली एक्सपायरी का दिन है, लगातार 8 वीक से हायर आए हायर लोस का पैटर्न बन रहा है, जो काफ़ी बुलिश पैटर्न है, बेसिक पैटर्न है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट पैटर्न है जो हमने स्टडी प्रोग्राम में सीखा है। और यहाँ पर प्रीवियस कैंडल का हाई और लो नेक्स्ट कैंडल के हाई और क्लोज के नीचे है। तो ये जैसे ही बुलिश पैटर्न यहाँ पर वीकली लॉन्ग टाइम फ्रेम के चार्ट में बन रहा है, तो हमें ज़बरदस्त बुलिशनेस यहाँ पर निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिले। RSI भी देखे तो ओवरबॉट जोन में जा चुका है। ओवरबॉट कैन बिकम एक्सट्रीम ओवरबॉट, ऐसा नहीं है कि ओवर 70 के पास जाने के तुरंत बाद यहाँ पर करेक्शन आ जाएगा। 70 to 100 इस जोन में जाने के बाद यहाँ पर प्राइस एक्शन में फर्स्ट सिग्नल दिखाना ज़रूरी होता है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल आ सकता है। तो ये यहाँ पर ये जो सिग्नल है इसके बाद हमें कंफर्मेशन ऊपर प्राइस एक्शन में मिलता है, तभी हम यहाँ पर शॉर्ट के लिए पोजिशन बना सकते हैं। अदरवाइज ये जो ओवरबॉट जोन में पहुँच चुका है, यहाँ पर एक्सट्रीम ओवरबॉट निफ्टी इंडेक्स में हमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर 13,700 के पास रेजिस्टेंस होगा, अगर वो ब्रेक करता है तो नेक्स्ट जो लेवल होगा वो 200% के आसपास हमें देखने को मिल सकता है, जो कि 14,000 तक निफ्टी इंडेक्स हमें पहुँचता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर इस लेवल के ऊपर ये सस्टेन करता है तो एक्सट्रीम ओवरबॉट निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिल सकती है। डेली चार्ट की अगर हम बात करें तो लगातार कैसे ये देखिए दोजी जैसे कैंडलस्टिक बन रहे थे, नीचे की तरफ ये काफ़ी लंबा टेल छोड़ रहा था कंपेयर टू ऊपर, ऊपर का काफ़ी छोटा टेल है और नीचे काफ़ी लंबा टेल है। तो यहाँ पर ये बुलिश दोजी फॉर्मेशन यहाँ पर बन रहे थे लास्ट 4 दिन से, और हमने कल ज़बरदस्त गैप अप ओपनिंग देखी और उसके बाद एक रेंज क्रिएट हुआ, उसको ब्रेक करने के बाद निफ्टी और ऊपर जाके ये क्लोज हुआ।
तो यहाँ पर अगर डेली चार्ट में भी देखें तो काफ़ी बुलिश पैटर्न इस समय बना हुआ है। 13,700 के पास एक हर्डल हो सकता है, उसको ब्रेक करता है तो निफ्टी 14,000 तक आगे बढ़ते हुए हमें दिखाई दे सकता है। तो यह डेली और वीकली चार्ट का सिनारियो है। चलते 60 मिनट के चार्ट में वीकली इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। ये है निफ्टी का 60 मिनट का चार्ट। निफ्टी इंडेक्स अगर ये जो कल का हाई है इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पर फिबोनाची एक्सटेंशन को ड्रॉ करूँ, ये स्विंग लो, ये हाई और ये लो को पकड़ के, तो कल आप देख सकते हैं इसने एग्जैक्ट 13,690 के पास इसने एक रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पर ही ऑलमोस्ट इसने कल का हाई लगाया। तो अभी 38.2% के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो नेक्स्ट यहाँ पर 13,716 के पास हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है और उसके बाद 13,750 के आसपास। तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट होगा 13,713। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अगर 13,690 के ऊपर निफ्टी इंडेक्स सस्टेन करता है तो। और सेकेंड टारगेट होगा 13,728, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड्स ये साउथ की तरफ अगर मूव करता है तो कल जहाँ पर ये तीन बार जिसने रेजिस्टेंस फेस किया, कल हमने पिक्चर में ये देखा, यहाँ पर ये जो लेवल है, ये लेवल, यहाँ पर इसने कई बार एक, ये दो, ये तीन बार इसने रेजिस्टेंस फेस किया और इसको ब्रेक करके जब ऊपर गया तो और भी तेजी देखने को मिली। तो जो कल रेजिस्टेंस का काम कर रहा था हो सकता है आज यहाँ पर सपोर्ट का काम करे। तो 13,659 के नीचे चला जाता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 13,645, एक छोटा सा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा यहाँ पर 13,626, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।